দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল এটা কারাগারত বন্দী। ইডিয়ে গ্রেপ্তার করার পিছত কেজরিওয়ালক আদালতে 15 এপ্রিল পর্যন্ত জেললৈ প্রেরণ করেছে। কেজরিওয়ালের অনুপস্থিতিত এটা দিল্লির সরকার চলি আছে আম আদমি পার্টি। আপদ এতিয়া চলিছে নাকি পরিয়ালবাদ? হঠাৎ এই প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেললৈ যাওয়ার লগে লগে সম্মুখলৈ আহিছে এই প্রশ্ন। এবার এই মহিলাগৰাকীক মন কৰক, এয়া হৈছে সুনীতা কেজরিওয়াল। পুছতাছ পুরি হো গই হে, আদালত নে দোষী নেই কা, উনকো জেল মে কিউ ডালা হে? অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ পত্নী। কেজরিওয়াল জেললৈ যোৱাৰ লগে লগে আপৰ মাজত গুৰুত্ব পাইছে সুনীতা কেজরিওয়াল। মঙ্গলবাৰে কেজরিওয়ালৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় আম আদমি পাৰ্টিৰ বিধায়কসকলে। তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰে সুনীতা কেজরিওয়ালক। কেজরিওয়ালৰ ঘৰত আপৰ বিধায়কৰ বৈঠক। বৈঠকত নেতৃত্ব লৈছে কেজরিওয়ালৰ পৰিবাৰ সুনীতা কেজরিওয়াল। সুনীতাৰ ওচৰত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে আপ বিধায়ক। उनका संदेशा पहुंचाया कि तानाशाही के खिलाफ, इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ जो साजिश चल रही है, डटकर दिल्ली की जनता भी खड़ी है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम विधायक भी खड़े हैं और अरविंद जी भी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। दबाव बनाएंगे लेकिन वो इस्तीफा ना दें। दिल्ली के लोग उनके साथ हैं, दिल्ली के लोगों ने मैसेज हमारे भिजवाया है और हमने उनसे कहा है कि वो इस्तीफा ना दें। और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए, अभी आज सभी जो माननीय विधायक थे वहाँ इकट्ठा हुए थे और सुनीता जी को सभी ने यही संदेश दिया है अरविंद जी तक पहुँचाने के लिए कि सभी विधायक एकजुट हैं, अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी दबाव में आके इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हम चट्टान की तरह पहले भी एकजुट थे और आज भी एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर षड्यंत्र का हम जो है मिल करके मुकाबला करें। केजरीवाल कारागार भीतर पर सरकार चलाबो स्पष्ट भावे कोले आपर विधायक केंद्र सरकार के खिलाफ किए जा रहे थे, विधायक साथी उसमें व्यस्त थे। फिर 31 मार्च को रामलीला मैदान की रैली की तैयारियों के अंदर विधायक साथी व्यस्त थे, तो आज आम आदमी पार्टी के सभी विधायक सुनीता केजरीवाल जी से मिलने मुख्यमंत्री आवास पे आए थे। एक एक करके मुझे लगता है करीब 2 दर्जन विधायकों ने अपनी बात सुनीता जी के सामने रखी। विधायकों ने कहा, भाभी, भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रेशर बनाएगी, अलग अलग तर्क कुतर्क दिए जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। अभी पूरा कैंपेन चलाया जाएगा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। जैसे लोकपाल के समय पे जब लोकपाल पास नहीं हो पाया और मुख्यमंत्री जी पे दबाव बनाया गया कि इस्तीफा दीजिए और इस्तीफा दे दिया तो कहा कि भाग गए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी रही है कि इस तरह से इस्तीफा बनाया जाएगा, एक ट्रैप बिछाया जाएगा। मगर क्योंकि भाभी ही मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी, पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। तो उनको सभी विधायकों ने कहा कि जब आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलें, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हो, तो आप मुख्यमंत्री जी को ये संदेश सारे विधायक साथियों की तरफ से दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। जेल और भीतर पर सरकार चलाब क्यों? মুখ্যমন্ত্রী হবলে আপদ আন কোনো নেতা নাই নেকি? আপদ চলিছে নেকি পরিবারবাদ? কিয় কেজরিওয়ালে পত্নীর বাহিরে আনক গুরুত্ব নিদিয়ে? প্রশ্ন করলে বিজেপি। নির্ণয় লেনা হো, অতি আবশ্যক হো, কোই সংকট হো, কেন্দ্র সরকার তো খড়িই রহেগি, লেকিন সংবিধান মে আপকি জো জিম্মেদারিয়াঁ হ্যায়, আপ নির্ণয় কেসে লেঙ্গে? आप तो कहते थे कि अगर किसी के नाम पे दाग लगे तो वो इस्तीफा दे। आज आप एक नया कीर्तिमान बना रहे हैं कि एक सिटिंग
मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे से सरकार चलाने जा रहा है। और चिंता की बात यह है, नैतिकता बची नहीं है। जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठते थे, उस कुर्सी पर बैठकर दोनों तरफ तिरंगा लगा है, वहीं से परिवारवाद की बू आ रही है। और संदेश मजबूत दिया है अरविंद केजरीवाल पापी आपके कन्वीनर ने। आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस लायक हो कि दिल्ली वासियों की सेवा कर सकेगा। या तो मैं हूं या मेरा परिवार है। तो अरविंद केजरीवाल का दोगलापन इससे प्रतीत होता है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, खुद भ्रष्टाचारी बन गए। उन्होंने कहा परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई है, तमाम बयान है उनके। और आज उन्हें अपनी पार्टी में कोई नहीं मिला, केवल और केवल अपनी धर्म पत्नी सुनीता केजरीवाल जी मिली। एक ही समय थी आपर फल आने गुरुतर अभियोग उत्थापन करा हुई से। अरविंद केजरीवाल घनिष्ठ रूपे परिचित मंत्री आतिशिये मंगलवार पुवा एक संबाद मेल आयोजन कर जाना जो अपरेशन लोटासर अधीन आपद विभाजन आनबल चेस्ा चल से बीजेपी केंबाज नेता गिरफ्तार चेस्ा चल से बीजेपी। मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले एक महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। अगले बड़े चार नेताओं को जेल में डाला जाएगा, मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। अदालत ईडीए स्पष्ट भावे कहिसिल आतिशीर नाम। केजरीवाल सकलो कामर विषय जाने आतिशी और सौरभे। अदालत एक कथा कहते मुखर मात बंद हुई आतिशी। इतना आतिशिये नतून अभियोग आनी देखिए, दिल्ली अच्छी तरह समझ रही है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि थीप्स हैज बीन एक्सपोज्ड, जितने चोर हैं उनके पर्दे खुल चुके हैं। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई मैं अंदर जा रहा हूं तो ये लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करता था। अब इसमें बीजेपी कहां आती है? दूसरी बात कि जब आपके मुखिया ने आपको शराब घोटाले में लिप्त कर दिया, उन्होंने कोर्ट में जाके इशारा कर दिया, अब उससे बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता है कि विजय नायर जो शराब घोटाले में एक प्रमुख कारक है, वो हमसे पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ऑफकोर्स जब किंग पिन कह रहा है, इस पूरे घोटाले का सरगना कह रहा है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, इनको रिपोर्ट करते थे, इनसे पूछताछ होनी चाहिए, और फिर उसके बाद तुरंत आतिशी जी का चेहरा उड़ जाता है कोर्ट में, आपका एएनआई का भी
कैमरा उनको फॉलो कर रहा था, आतिशी जी क्या कह रही हैं, आतिशी जी बिल्कुल साइलेंट, क्योंकि उस समय तो दिमाग काम नहीं किया होगा। अब रात भर की प्लानिंग के बाद सवेरे निकलता है कि हमको ऑफर मिल रहा है। अरे हुकर खबर ए जे इतिमध्ये जेलत बंदी होई थका आपर नेता संजय सिंह मंगलवार उच्चतम न्यायालय जमीन मुक्ति दिछे, किंतु यार लगे लगे आशंका प्रकाश करा हैछे आपर आरु केबाजनो नेता दुर्नीतिर अभियोगत इडिए शीघ्र ग्रेप्तार करिब। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबी न्यूज़।